एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। मैं हूं रूपा और आज मैं आ गई हूँ निविया मिल्क डिलाइट फाइन ग्राम फ्लोर फेस वॉश का रिव्यू प्लस डेमो देने के लिए। देख लीजिए, ऐसा एक छोटू सा क्यूट सा पैकेजिंग है और इसका प्राइस है बस 85 रुपीज फॉर 50 ml। और ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट फेस वॉश है क्योंकि बहुत सारे फेस वॉश यूज़ करने से ऑयली स्किन में बहुत ही ज़्यादा हर्श आ सकते हैं, लेकिन ये फेस वॉश बहुत ही माइल्डली स्किन को स्क्रब करने के साथ साथ स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं, लेकिन स्किन को रखते हैं मॉइस्चराइज, हाइड्रेटेड एंड साथ ही साथ ग्लोइंग। हाँ, ये सारे के सारे चीज़ मेंटेन करना चाहिए। आपकी स्किन ऑयली हो, नॉर्मल हो, ड्राई हो या फिर सेंसिटिव हो, स्किन में मॉइस्चराइजर देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर स्किन रहेगी मॉइस्चराइज, हाइड्रेटेड एंड पीएच बैलेंस ठीक ठाक रहेगी ना, तो रिंकल्स बहुत लेट आते हैं, नहीं तो बहुत जल्दी एज हो या ना हो रिंकल्स आ सकते हैं। तो इसके ऊपर ही क्लेम किया है निविया मिल्क डिलाइट, योर ऑयली स्किन विल लव व्हाट्स इनसाइड, द गुडनेस ऑफ मिल्क प्रोटीन एंड फाइन ग्राम फ्लोर फ्री फ्रॉम सोप। ऐसे मैंने बता ही दिया, फ्री फ्रॉम सोप है ये फेस वॉश और साथ ही साथ ग्राम फ्लोर, ये तो बहुत ही अच्छा है। बेसन को आप लोग ऐसे स्किन को स्क्रब करने का टाइम यूज़ कर सकते हो, बाथरूम में रख दीजिए एक छोटा सा कंटेनर में और नहाने का टाइम अप्लाई कर लीजिए, इससे तो स्किन बहुत अच्छा होते ही है। और ये फेस वॉश के इंग्रेडिएंट्स में बस है मिल्क और ग्राम फ्लोर, तो ये आप लोगों को दिखाई भी देखी क्योंकि इसका जो कंसिस्टेंसी है ना बहुत ही क्रीमी है, एकदम मिल्क जैसे। और निविया मिल्क डिलाइट फाइन ग्राम फ्लोर फेस वॉश का जो मेन दो इंग्रेडिएंट्स है, एक है मिल्क, वो तो बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए, सेहत के लिए, साथ ही साथ ग्राम फ्लोर वो भी बहुत ही अच्छा है। और ये फेस वॉश बहुत ही माइल्ड है, पूरा का पूरा क्रीमी टेक्सचर है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारा क्रीमी बेस फॉर्मुलेशन का फेस वॉश फेस को बहुत अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, लेकिन ये फेस वॉश फेस को बहुत अच्छे से माइल्डली स्क्रबिंग के साथ साथ क्लीन करते हैं। हाँ, इसके अंदर छोटे छोटे मिली ग्रैन्यूल्स दिखाई देगी येलो कलर का, और वो है ग्राम फ्लोर, और स्किन को बहुत ही माइल्डली स्क्रब करेगी, साथ ही साथ क्लीन करेगी, स्किन को टाइटन बनाने में मदद करेगी, साथ ही साथ स्किन को ब्राइट बनाएगी। हाँ, स्किन ऐसा फेयर नहीं होते हैं, लेकिन डे बाय डे यूज़ करने से स्किन ब्राइट हो जाते हैं। और अगर बाहर जा रहे हो, बाहर से डर्ट, ऑयल, पॉल्यूशन स्किन के अंदर है, तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल भी है ना, तो ये फेस वॉश को अप्लाई कर सकते हो, पूरा का पूरा माइल्डली क्लीन करेगी। ऐसा नहीं है ड्राई स्किन वाले फेस वॉश है तो यूज़ करने से दिक्कत आ जाएगी, मेरी स्किन ड्राई नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसको तो यूज़ कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। विंटर के टाइम भी अभी हमारे स्किन चिपचिपा सा हो जाते हैं, तो उस टाइम में अप्लाई कीजिए और फ्रेश फीलिंग्स आ जाएगी आपके स्किन के ऊपर। आपके स्किन में अगर ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है वो धीमे धीमे जैसे सॉल्व हो जाएगी, और साथ ही साथ अगर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जैसे प्रॉब्लम है तो भी सॉल्व हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर है ग्राम फ्लोर और ये स्किन को बहुत ही अच्छे से ब्राइट बनाते हैं। सॉफ्ट, सपल, ग्लोइंग स्किन मिलने के लिए आप लोगों को चाहिए निविया मिल्क डिलाइट फाइन ग्राम फ्लोर फेस वॉश। तो चलिए अभी इसको यूज़ करके दिखा देती हूँ कि इससे बेनिफिट क्या मिलते हैं। और इसके और भी 3 वेरिएंट है, मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोड है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाके चेक कर सकते हो। निविया मिल्क डिलाइट रेंज का हर एक फेस वॉश बहुत ही अच्छा है, मेरे पास 4 के 4 है और मैं 4 के 4 ही अप्लाई करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आए है मेरे स्किन के ऊपर, तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे बाहर से आने के बाद मैं इसको ही प्रेफर करती हूँ, और नाइट रूटीन केयर के टाइम में सेंसिटिव स्किन वाला जो फेस वॉश है उसको ही प्रेफर करती हूँ, उसको ही मैं सजेस्ट भी करूँगी क्योंकि ये बस 50 ml का प्रोडक्ट है लेकिन ये बहुत दिनों तक चल जाते हैं, और साथ ही साथ ये फेस वॉश का शेल्फ लाइफ रहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स, तो आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हो। 3 ईयर्स तो इतना छोटा सा पैक कभी भी नहीं जाएगी, हाँ चल जाते हैं 1 महीने तक आराम से चले जाएंगे, लेकिन 3 ईयर्स तक कभी नहीं। तो आप लोग 4 के 4 वेरिएशन ही अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको मैं अभी अप्लाई करूँगी, चलिए। और अप्लाई करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ, इसको थोड़ा सा शेक कर लीजिए उसके बाद अप्लाई कीजिए। और अप्लाई करने से पहले स्किन को वेट भी कर सकते हो पानी से, रोज़ वाटर से, या फिर ऐसे डायरेक्ट स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। मैं रोज़ वाटर अप्लाई करूँगी, उसके बाद अप्लाई करूँगी ये फेस वॉश क्योंकि मेरे स्किन ड्राई नहीं है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे रही हूँ। रोज़ वाटर अप्लाई करने के बाद अप्लाई करूँगी फेस वॉश। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई कीजिए,
अगर आपके स्किन नॉर्मल है तो भी आप लोग रोज वाटर अप्लाई करके ही इसको अप्लाई कीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्किन रहेगी मॉइस्चराइज, हाइड्रेटेड एंड साथ ही साथ ग्लोइंग। मैं अभी अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करूंगी डाबर गुलाबरी रोज ग्लो फेस क्लींजर। इसका रिव्यू और इसका बहुत सारा यूजेस भी मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाके चेक कर सकते हो। अभी हाथों से थोड़ा सा मसाज कर दीजिए रोज वाटर से। और अभी ले लूंगी फेस वॉश निविया मिल्क डिलाइट फाइन ग्राम फ्लोर फेस वॉश। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में लगते हैं जैसे मैंने बता दिया देखिए, और एकदम क्रीमी टेक्सचर है, पूरा का पूरा सॉफ्ट। ऊपर में क्लेम किया है क्लींजेस एंड रिमूव्स एक्सेस ऑयल फॉर हेल्दी लुकिंग स्किन। और एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, अगर मेकअप क्लीन कर रहे हो तो उस टाइम में इस फेस वॉश को अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छे से मेकअप को क्लीन कर देते हैं ऐसे अपवर्ड्स में। और कोई भी फेस वॉश को ना स्किन के ऊपर 2 मिनट तक ऐसे मसाज करना चाहिए, तो इससे बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। जैसे टी जोन में बहुत अच्छे से इसके अंदर छोटे छोटे मिली ग्रैन्यूल से उससे स्क्रबिंग का काम भी हो रहे हैं, क्योंकि विंटर के टाइम स्क्रबिंग अलग से फेस वॉश अलग से ये यूज़ करना बहुत झंझट का बात है। तो ऐसे आप लोग 2 मिनट तक इसको स्क्रब कर सकते हो अपवर्ड्स में क्रिस क्रॉस में ऐसे। आपकी स्किन ड्राई है तो 2 मिनट करना ही चाहिए, अगर आपकी स्किन नॉर्मल ऑयली सेंसिटिव है तो मैं सजेस्ट करूंगी बस 1 मिनट तक। तो चलिए मैं फेस को वॉश करके आके मिलती हूँ। हाँ मैं तो नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश करके आ गई हूँ, लेकिन इसके ऊपर लिखा है कि हल्का ल्यूक वार्म वाटर से फेस को वॉश कीजिए, लेकिन ऐसे करने से भी चमक बहुत ही अच्छे से मिल जाते हैं। देखिए स्किन को बहुत अच्छे से माइल्डली क्लीन करते हैं। मेरी स्किन ड्राई नहीं है लेकिन फिर भी ये फेस वॉश यूज़ करने के बाद ड्राइनेस का फीलिंग्स मेरे को नहीं लग रहे है। हाँ फर्स्ट में वो रोज वाटर वाला स्टेप जरूर फॉलो कीजिए तो स्किन रहेगी मॉइस्चराइज हाइड्रेटेड। और एक बात, अगर पिंपल आने का चांसेस है ना, पिंपल आ सकते हैं कभी भी कहीं पर भी, तो इसको हफ्ते में एक दिन अप्लाई कीजिए तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और निविया का मिल्क डिलाइट का कोई भी फेस वॉश आप लोग आई साइड पे अप्लाई मत कीजिए, जैसे मैंने अप्लाई किया ना ऐसे ही अप्लाई कर लीजिए। और वॉश करने में थोड़ा बहुत पानी ज़्यादा लगते हैं क्योंकि एकदम क्रीमी टेक्सचर में है, सही है एकदम क्रीमी स्किन बना देते हैं। तो ये रही मेरी आज की निविया मिल्क डिलाइट फाइन ग्राम फ्लोर फेस वॉश का रिव्यू प्लस डेमो। अगर अच्छा लगे लाइक करना शेयर करना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मैं हर एक कॉमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आप लोगों के हर एक कॉमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।